बच्चों, आज हम कुछ और मॉलिक्यूल के बॉन्ड संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एक C2H6 है, जिसे हम इथेन मॉलिक्यूल कहते हैं, इसमें हम देखते हैं बच्चों कि टू कार्बन एटम हैं और हाइड्रोजन 6 है। हमें पता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो 6 है। तो K में 2 गए और L में 4 हैं, ठीक है। हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा है बच्चों कि जो नियॉन है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें K में 2, L में 8, तो यहाँ पर क्योंकि जैसे नियॉन के पास KL सेल है, तो हाँ कार्बन के पास भी KL है ना। तो कार्बन भी चाहता है, जैसे इसके L में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मेरे भी L में क्या होने चाहिए, 4 से 8 होने चाहिए। साथ में हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, के में 1 इलेक्ट्रॉन। अब किस तरह से इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो कार्बन है उसके पहले 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो टू कार्बन एटम, आपने एक कार्बन यहाँ रखना है, एक कार्बन यहाँ पर रखना है, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6, यानी के में 2, एल में 4, तो प्रत्येक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रॉस वाले 1, 2, 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं। इसी तरह दूसरा कार्बन होगा, उसका 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन ने एक एक की साझेदारी करी, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इन दोनों का ही अधिकार होगा। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है, इसके के में 2 है, और ये चाहता है कि जैसे हीलियम का के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पूरे भरे होते हैं, तो ये भी चाहता है कि मेरे के में 1 से 2 हो जाए। तो प्रत्येक हाइड्रोजन एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लाकर कार्बन के इसके साथ शेयरिंग करेगा और उसे 2 मिल जाएंगी। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस कार्बन का भी अधिकार है, इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और बीच में रखा, जिस पर इन दोनों का अधिकार होगा, इसका भी और इस कार्बन का भी। फिर इधर से नेक्स्ट हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, जिस पर इसका भी अधिकार होगा और इस हाइड्रोजन का भी अधिकार। इस तरह इस हाइड्रोजन को भी उसके के में 2 मिल गए। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, कार्बन के साथ साझेदारी करी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों का अधिकार हो गया। इस तरह से इस हाइड्रोजन के भी के में कितने हो रहे, 2 2। नेक्स्ट हाइड्रोजन आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और उसको भी 2 मिल गए। ये कार्बन एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का। फिर इधर आया, इसमें भी एक कार्बन ने बीच में रखा और एक हाइड्रोजन ने रखा, और इस तरह से इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल गए। अब हम यहाँ पर सभी हाइड्रोजनों के में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, बट अब कार्बन के अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से कार्बन को 8 मिल गए। आप देख रहे होंगे कि कार्बन के पहले L में 4 थे, और अब आफ्टर काउंटिंग के बाद, आफ्टर शेयरिंग के बाद, हम ये देख रहे हैं कि उसको 8 मिल गए। नेक्स्ट जो कार्बन है, इसके भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इस कार्बन को भी 8 मिल गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर, ये तो इसका डॉट स्ट्रक्चर है, अब हम यहाँ पर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप दो इलेक्ट्रॉन का बच्चों सिंगल बॉन्ड, तो पहले हमने 2 कार्बन रखे थे, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो बना सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ रखा था, एक हाइड्रोजन यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ पे रखा और ये एक यहाँ पे रखा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी 1 1 की शेयरिंग हुई, तो बना सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 1 1 की शेयरिंग हुई, तो बना सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 1 1 की शेयरिंग हुई, 1 1 की शेयरिंग, 1 1। इस तरह से ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब हम एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर बात करते हैं, ये C3H8, जिसे हम प्रोपेन कहते हैं बच्चों। इसमें अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कार्बन का 6 होता है के में 2 और एल में 4, ठीक है। और हाइड्रोजन का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि के में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन एल में है और वो 8 करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन के हमने क्रॉस वाले 1 2 3 और 4, इसी तरह इस कार्बन के भी हमने रखे 1 2 3 और 4, इस कार्बन के भी 4 रखने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। 3 कार्बन के मैंने 4 4 रख दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, अब उसके के में 2 हो गए, पहले उसके के में 1 थे।
अब यहाँ पर नेक्स्ट हाइड्रोजन आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और साझेदारी करी, इन इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस कार्बन का भी अधिकार होगा और हाइड्रोजन का भी। इसी तरह फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझेदारी करी, इस पर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है इन दोनों पर और इस कार्बन का भी। इधर हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, उसके के में 2 मिल गए और कार्बन का भी इन दोनों पर अधिकार है। फिर यहाँ से भी हाइड्रोजन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन रखा, उसको भी 2 मिल गए। इधर से फिर हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसको भी 2 मिल गए। फिर हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा तो उसको भी 2 मिल गए। फिर अगला हाइड्रोजन आया, उसने भी कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करी। इस तरह जो टोटल 8 हाइड्रोजन है सबके के में 2 हो गए हैं, ठीक है बच्चों। और जो कार्बन है उसके एल में 4 हैं। आफ्टर शेयरिंग के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो पहले तो 4 थे, अब कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हो गए। अब हम इस कार्बन की काउंट करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हम अब इस कार्बन के भी काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी कार्बनों को भी 8 मिल चुके हैं और सभी हाइड्रोजनों के भी 2 2 हो चुके हैं। इस तरह से हमारे पास 3 कार्बन थे। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, सबके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आप देखेंगे इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन हैं और वहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के चारों ओर यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन है और सब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और इस तरह से बना सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक यहाँ पर ब्यूटीन मॉलिक्यूल है, C4H10 आप देख रहे होंगे, तो इसमें कार्बन 4 है बच्चों, तो 4 कार्बन आपने लिख लिए। आपको पता है कि कार्बन का 6 है, के में 2 एल में 4, तो प्रत्येक कार्बन के मैंने क्रॉस वाले चार चार इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 और एक 4, ठीक है, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 जो क्रॉस वाले हैं बच्चों, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक कार्बन के चारों ओर मैंने चार चार इलेक्ट्रॉन बना दिया, आप देख रहे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ 10 हाइड्रोजन एटम है, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का कॉन्फिगेशन है परमाणु क्रमांक 1 और के में 1 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक हाइड्रोजन चाहता है कि उसके के में 2 हो जाए, तो प्रत्येक हाइड्रोजन इस एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ करता जाएगा। और इस तरह से ये देखिए गोल वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और उस सभी हाइड्रोजनों को 2 2 मिल रहे हैं। इधर देखिए सभी हाइड्रोजनों को 2 2 मिल गए, एक एक की साझेदारी करी, इधर से हाइड्रोजन आया उसने रखा साझेदारी करी, इस तरह से यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल 2 2 इलेक्ट्रॉन उसके के सेल में हो गए, ये हो गए। अब कार्बन के अगर हम काउंट करेंगे बच्चों, तो कार्बन के आप देखिए इस कार्बन के गिनिए पहले 2 2 4 2 6 और 2 8, फिर इसके करिए 2 2 4 2 6 और 2 8, फिर इसी तरह इस कार्बन के करिए 2 2 4 2 6 और 2 8, और इस कार्बन के करिए 2 2 4 2 6 और 2 8। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए 4 कार्बन थे, वी हैव अ 4 कार्बन, तो हमारे पास 4 कार्बन एटम थे ऐसे, और सब इन दोनों के बीच में भी एक एक की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी एक एक की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी एक एक की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन के चारों ओर 3 हाइड्रोजन थे और इस कार्बन के ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, इसके भी ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन और इसके भी 3 हाइड्रोजन, है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एक की शेयरिंग, तो सिंगल बॉन्ड, एक एक की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, एक एक की शेयरिंग शेयरिंग, एक एक सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे ये स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।